इजाजत मैम। औज़ु बिल्लाह मिनश रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु माशाल्लाह होला होला वला कुवता इल्ला बिल्लाए लली एल अजीम अल्हम्दुलिल्लाह लजी नवरा कुलुबना बेमसाएब हुसैन सलवात तिलावत फरमा सल्ले अला अस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबियन व आदम बैन अलमाए वतीन सलवा सल्ले अला मुहम्मद सैयद अल अरब वल जाम की अल मदनी कीला फीशा नहीं वमा अरसलना कैला रहमत लिल आलमीन सलवा साहिब ताजवल मेरा जवल बुरा केवल अला इस्मुहु मरफूम मनकूश फिलो वल कलम अहमद अल मुस्तफा मिल के सलवा सल्ले अला मुहम्मद वाले अम्मा बादो फकद قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ملك صلوات صل على محمد وآله سب تو پہلا میں دعا گوہاں رحمان رحیم کریم خالق बानियान दिए फर्शे अज़ा विछाई अपनी पाक बारगाह दे अंदर मेरा मालक कबूल थे मंजूर फरमा आमीन। सर मिल क्या खैर रहमान रहीम करीम खालिक तेरी बारगाह च इल्तजाए इस नाजक दौर दे अंदर आज़ादारी दी मुहाफ़ज़त फरमा रहमान रहीम करीम खालिक तेरी बारगाह च इल्तजाए इस नाजक दौर दे अंदर सानू अली उन वलीउल्लाह ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमा रहमान रहीम करीम खालिक तेरी बारगाह च इल्तजाए मेरा मालक हर अली यन वलीउल्लाह पढ़न वाले मोमन मुहिब आज़ादार दी इज्जत नू महफूज फरमा रहमान रहीम करीम खालिक तेरी बारगाह च इल्तजाए मेरा मालक जितने मकरूज हन उन्हां दा कर्ज अदा हो गए बिचों फरमा मेरा मालक जितनियां झोलियां औलाद तो सिक दियां ने जिक्र दे तवसल दे नाल मेरा मालक तेरी बारगाह इल्तजाए उस बाबुल हवाइज बादशाह दे तवसल दे नाल जेड़ा आज़ादारो करबला दे मैदान च पियो वाले पासे वेख के रो रो क्या दर है बाबा गरीब ना सड़ा बाबा भावें छोटा हाँ तमें भी अली बाबा मैं चाह मैं तेरी गुरबत की गवाही देवा उस मासूम बाबुल हवाइज दा सदका मेरा रहमान रहीम करीम खालिक जितनियाँ झोलियाँ औलाद तो सिक दियन जिक्र दे तवसल दे नाल मेरा मालक उन्हों उन्हों झोलियों च मातमी पुत्र अता फरमा रहमान रहीम करीम खालिक तेरी बारगाह च इल्तजाए मौत तो पहला हर मोमन नवाली अजादार नू ओ जगह नसीब फरमा गयूरो जिथे दी कातल दिया मिन्नत करके आधी रही है न मार मेरा ता गरीब बाबा है जेड़ी रो रो के आधी रही है न मार लहजे दे बाद आपे मर वैसी सारियां दुआवां दी हिक्के दुआ मेरा मालक साढ़े पर्दे छुपे हुए वारिस को
इज़्ने ज़हूर अनायत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा कायम आले मुहम्मद। अहबाब अहले बैत मुहिब्बान आले मुहम्मद सदात गैर सदात नहाय थी मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे सुन्नी शिया साहिबान ए मजलसा दरसे आले मुहम्मद। थोड़ा जिहा मेरे नाल बोले मेहमान हाँ तुहाडा सैयदा मिंबर दी इज्जत की कसम बाबा जी तबलीग की जरूरत है। हर आलम जाकर वाइज खतीब नू चाहिदा है को हक दा पैगाम सामईन तक पहुँचावे। मैं कह मजलसा दरसे आले मुहम्मद खालिक के कायनात के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है उस दीन का नाम है दीन इस्लाम। उस दीन का नाम है दीन इस्लाम। उस दीन के अंदर खालिक के कायनात ने नबिया के सुल्तान नबी नू आखिरी नबी बना के उस दे बाद सिलसिला इमामत दा तज़करा सिलसिला जारी उसारी की। जी मौला मुत्तकियान बादशाह अमीर कायनात बादशाह दे फरमान नू मद्देनज़र रख दिया हुआ मैं आज दी गुफ्तगू करना चाहूँ। दुआ फरमाए मौला मुत्तकियान बादशाह पे फरमेंदे ने बच्चा जो सीख दे वालदैन तो सीख दे। बच्चा जो सीख दे वालदैन तो सीख दे। मिसाल दे के वाजिया कर देना वा वतन वालेओ अगर घर विच कुरान पढ़िया जा रहा बच्चे नू नहीं पता जो अहमियत तलावत कुरान पाक क्या है। बच्चा माँ दे नाल बह के इंज ही सही है ज्यादा कोई कापी किताब चाह के पढ़न की कोशिश करेगा जिमें माँ पढ़ दी है। आए हाय हाय थोड़ा बोले भाई उंजे बच्चा पढ़न की कोशिश करेगा जिमें माँ कुरान पढ़ दी है। अगर घर च नमाज पढ़ी जा रही है बच्चे नू नहीं पता जो अहमियत नमाज क्या है। बच्चा माँ दे नाल बह के जिस रंग नाल सैयदादा कुरान पढ़ता है उसे रंग नाल उसे अंदाज दे नाल जिसले बच्चा वेदे ना प्यो नू नमाज पढ़ दिया बच्चे नू नहीं पता जो अहमियत नमाज क्या है। वतने वाले बच्चा उंजे बाप दे नाल प्यो दे नाल मुँह दा लेट के नमाज पढ़न की कोशिश करेगा जिमें प्यो पढ़ दे जिमें प्यो पढ़ दे। तस्वीर का दूसरा रुख है कड़वा लेकिन है हकीकत। जिस घर च आलियाने इलाका जिस घर च नाच गाना होंदा उस घर के बच्चे नाच गाने की सूरत नकल करने की कोशिश करते। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे बच्चा जो सीखता है वालदेन कनु सीखता है। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे तुसी सफेद रीश बुढ़रे बंदे तजर्बाकार दुनिया दीद सारा कम होने के बावजूद मौला फरमा रहे तुसी सफेद रीश बुढ़रे बंदे मैं अली दे आखे लग के पांच कम बच्चे तो सीखो। आए हाय हाय आवाज़ में थोड़ा ठीक करिए डबलिंग हो रही। सारे साहबान सलवात तिलावत फरमा मुहम्मद व आले मुहम्मद ठीक है। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे बेस वधावे थोड़े बच्चा जो सीखता है वालदैन तो सीखता है। तुसी सफेद रीश तजर्बाकार बुढ़रे बंदे मैं अली दे आखे लग के पांच कम बच्चे तो सीखो। नहीं ठीक है थोड़ा जहा आवाज़ बताओ सारे तुसी सलवात दी तिलावत फरमाओ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो करो जी मौले मुत्तकियान फरमा रहे बच्चा जो सीखता है वालदैन तो सीखता है। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे कि तुसी सफेद रीश तजर्बाकार बुढ़रे बंदे मैं अली दे आखे लग के पांच कम बच्चे तो सीखो। बंदा बाबा जी हैरान होया मौले मुत्तकियान बादशाह पासे वेख्या दे बादशाह वो केड़े पांच कम मन जेडे असी तजर्बाकार दुनिया दीद इतना कम होने के बावजूद असी बच्चे तो सीखिए। कायनात या मुस्कुराहटा शादमानी सिमट के वतने आ लियो सहीफ है मुर्तजा का तवाफ किया है हसनैन दे पाक बाबा मौले मुत्तकियान बादशाह खालिक नहजुल बलागा वारस मिंबर सलूनी सराते मुस्तकीम ऐनुल्ला वजहुल्ला लिसानुल्ला इमाम उस बंदे आले पासे वेख के आदे ने बंदे खुदा पहला काम जरा बच्चे तो सिख मौला पे फरमेंदे या तो मर्रा खून अभी तुराब बच्चा मिट्टी खेडना पसंद कर दे। आए हाय हाय बच्चा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हैदरी
मौले मुत्तकियान फरमा रहे पहला काम जरा बच्चे तो सीखो या तमर रहूं ना भी तुराब बच्चा मिट्टी खेडना पसंद कर दे बाबूजी माँ ने नुआ धुआ के कंगे सुर में करके बहुत ही खूबसूरत करके बच्चे अपने तैयार किया है। चाचा जी तैयार करके माँ ने उसनु बेडरूम में लिटा दिता। पता ही नहीं चलेगा बच्चा किस वेले माँ को चोरी निकलेगा बाहर। जिस वक्त तक उस कपड़े अपने मिट्टी च बाहर नहीं ना लेने उतने तक उसनु सुकून नहीं मिलेगा, उतने तक उसनु चैन नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे ऐ कम वड्डे ते बच्चे तो सिख। जिस तरीके बच्चे निकल के उनजे गली च खेड के कपड़े च मिट्टी ला के ना अपने कपड़े नाल कपड़े मिट्टी च भर के गिलतान करके दुनिया दे हर दुनियादार बंदे नु दरस देंदे ने ज़ाहरी शान शौकत नाज ते मां ना कर अंजाम ई होई आमना एक दीवार तुसे मिट्टी दे अंदर है अंजाम ई हो आमना ते एक दिन से मिट्टी दे अंदर है। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे दूसरा कम मैं अली दे आखे लग के जड़ा बच्चे तो सीखो। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे या मरूं सुमा यखरबूं। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे बच्चे खेडन वास्ते मकान तमीर कर दें टुरदियां गिरा के दस दिन दुनिया आरजी जाए। वतने वाले एक बहुत ही खूबसूरत सतर याद आ गई जनाब दे जहान तक अरसाल करना चाहता। बाबा जी किसी मुल्क दा बादशाह उस बहुत ही खूबसूरत महल तमीर करवाया। तवज्जो करे उस बहुत ही खूबसूरत महल तमीर करवाया। महल तमीर करन दे बाद उस मनादी करवाई उस ऐलान करवाया उस आख्या जेड़ा बंदा इस मेरे बने महल च नुक्स तलाश करेगा मैं उस मुँह मंगया इनाम देंगा। जदन उस मनादी करवाई ऐलान करवाया वड्डे वड्डे माहिर तमीरात आ गए आर्किटेक्ट बड़े बड़े सियाने बंदे आ गए बड़े बड़े चौखे चौखे सियाने बंदे उसका महल पास करके चले गए। वतने आलियो अखीर ते ओ आया जेड़ा दुनिया दी नजरें झल्ले आले मुहम्मद दा सियाने बहलोल दाना शाबाश भाई जेडे हाथ उठ गए मैं सलाम करना अखीर ते ओ आया जेड़ा दुनिया दी नजरें झल्ले आले मुहम्मद दा सियाने बहलोल दाना। चाचा जी जब ले आया ना जनाबे बहलोल इस बादशाह महल आले पास दीद की महल आले पास वेख के वत बादशाह पास वेख के अदने से दो वड्डे नुकसान। बादशाह परेशान होया इंज जनाबे बहलोल आले पास वेख के अगे मैं सुनया तू पागल है अज मैनु पक लग गए तू तो वाकई पागल है तू तो कमल है तू तो झल है जल्दी करो सकन नुक्स दसने नहीं अगर ना दसे तेरा सर तन नाल जुदा कर देंगा। जिसल उस आख्या ना जल्दी कर दसने नहीं अगर ना दसिया तेरा सर तन नाल जुदा कर देंगा। जिसल उस आख्या ना जल्दी कर दसने नहीं जनाबे बहलोल मुस्कुराए आँगे बादशाह नौकर मुस्कुरा के ना इंज दुनियादार बादशाह पासे वे कहता गल सुन मैंने इसे गल का जवाब दे इस महल नू कै नाल बनाया केंदे नाल बनाया उस आख्या मैं इस नू बनाया रेत सीमेंट बिजली सरिये दा बहुत मजबूत करके बादशाह दा नौकर मुस्कुरा के आ दे दुनियादार बादशाह पास वे कहते कसम चवाल है एक दिन इस गिर जरूर जाना है। ओए 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 एक दिन इस गिर जरूर जाना है मैं सद क्यों है उस आख्या 10 साल 20 साल 30 साल 50-100 साल बाद एक दिन इस गिर जरूर जाना है। उस आख्या अच्छा ए तो तेरी गल ठीक होगी दुआ नुक्स दस अगर ना दसिया तेरा सर तन नाल जुदा कर दें। जिसलिए उस आख्या ना जल्दी कर दूजा नुक्स दस बादशाह का नौकर मुस्कुरा के इसलिए पासे वेख के दे मैंने ये डसा कहंदे वास्ते बनाया है अं फखरी अंदाज नाल बाबा जी अपने वास्ते बादशाह का नौकर मुस्कुरा के दे कसम चवाल है तू ऐसे ही सदा रहना ही नहीं आए आए ऐ तेरा हमेशा रहायश का मकान ही नहीं अज कल परसों तरसों तेरा वीजा लग जाना है तू इस जहान तो दूसरे जहान मुंतकिल हो जाना है। हो सके ऐ तेरा असली रहायश का मकान ही नहीं। मौले मुत्तकियान बादशाह पे फरमाते बच्चे खेडन वास्ते मकान तमीर कर दें टुटदियां गिरा के दस दिन दुनिया आरजी जाए ऐ तेरा हमेशा रहायश का मकान ही नहीं।
मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे तीसरा कम मैं अली दे अख लग के बच्चे तो जरा सीखो। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे यख तस्मूना बगैर हक दें। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे बच्चे खेड़ दिया लड़ पौंदे हैं झगड़ पौंदे हैं। वतने वालों मावां नूं पता चले उन्हें एक बैद पल्ले कुछ नहीं छड़िया। थोड़ी देर नहीं गुजरेगी चंद लम्हात गुजरन दे बाद उसे गली च उसे महल च उसे ग्राउंड च बच्चे इकट्ठे खेड़ते पे सन। मौले मुत्तकियान पे फरमाते हैं ऐ कम वड्डे ते बच्चे तो सीख जिस तरीके बच्चे खेड़ दें लड़ दें ते फौरन सुलह कर दें। मौला पे फरमाते हैं ए दुनिया आरदी जाई इत्थे गलत फहमियां हो सकदियां नहीं लड़ाई झगड़े झेड़े हो सकदे ने। मौला पे फरमाते हैं जिस अंदाज नाल बच्चे लड़ दें ते फौरन सुलह कर दें। मौला पे फरमाते हैं जल्दी अपनी लड़ाइयां नूं सुलह ही तब्दील करो। बाबा जी मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे साडे मन्नण वाला मोमन मवाली एक मोमन दूसरे मोमन ते त्रै दिन तो ज्यादा नाराज होवे असी आले मुहम्मद दी लानत करदे आ साडा लानत करदा है। आए आए आए। मैं सदके उपमा जी असी आले मुहम्मद लानत करदे आ साडा अल्लाह लानत करदा है। मौला मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे जिस तरीके बच्चे लड़ दें ते फौरन सुलह कर दें अपनी लड़ाइयां नू फौरन सुलह तब्दील करो। मौला पे फरमाते हैं अगर साडे मन्नन वाला मोमन मवाली एक मोमन दूसरे मोमन दे घर जाके ना इंजे हाथ जोड़ के साड़ी खुशनुदी वास्ते साड़ी रजामंदी वास्ते एक मोमन दूसरे मोमन के घर चल के चला जाए ना। मौला फरमाते हैं साड़ी वजह तो उस दरवाजे ते जाके उस वाले पास वे के मिन्नत तो समाजत करके आके गलती मेरी है या चाहे तेरी है मैं तेरे दरवाजे ते चल के आ गया ना मैं मौला मैंने माफ चा कर। मौले मुत्तकियान पे फरमाते हैं अगर एक मोमन दूसरे मोमन के घर अपनी वजह तो नहीं साड़ी वजह तो चला जाए जाके माफी तलब करे। मौले मुत्तकियान पे फरमाते हैं असी आले मुहम्मद उसकी इज्जत दे भी जामना असी उसकी अना दे भी जामना। शाबाश भाई असी उसकी इज्जत दे विजामना असी उसकी अनाद विजामन। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमा रहे चौथा कम जेड़े तुसी बुढ़े बंदे तजर्बाकार सुफेद रीश मैं अली दे आखे लग के चौथा कम जेड़ा बच्चे तो सीखो। मौले मुत्तकियान बादशाह पे फरमाते लायद खेरू ना ले गदेन शया। मौले मुत्तकियान बादशाह फरमारन बच्चियां दे कोल जो भी चीज़ होवे ना तकसीम करके खांदे ने वंड के खांदे। मौला पे फरमाते हैं ऐ कम वड्डे ते बच्चे तो सीख मिसाल दे तौर ते बतने वाले अगर माँ ने बच्चा घरों टुरदा पे ना माँ ने मिसाल दे तौर ते 10 टोफियां 10 गोलियां बच्चे दी पॉकेट च पा दित्तियां ने जेब च पा दित्तियां बच्चा जाएगा खेडन वास्ते गली च एक गोली कढ़ेगा बाहर खावेगा उसका दोस्त बाप को वेदा होएगा ना उस वाले पास भी इंज हाथ वधा के आखेगा यार खा ले। जिसले थोड़ी देर गुजरन दे बाद घर जाएगा ना माँ पूछेगी हाँ मेरा लाल जड़ी शह जड़ी चीज़ जड़ियाँ गोलियाँ मैं तेन लेके देते हैं कितने नहीं अम्मा मैं खा लई हैं। माँ कहेगी मेरा लाल इतना जल्दी तो तू खा ही नहीं सकता। बच्चा आखेगा माँ मैं इकल्ले नहीं खादियाँ मैं बेलियाँ नहीं दितियाँ ने मैं यारा नहीं दितियां ने। मौले मुत्तकियान पे फरमाते ऐ कम वड्डे ते बच्चे तो सीख जिस तरीके बच्चे नु कोई भी शैल बदिए तकसीम करके वंड के खांदा है। मौले मुत्तकियान बादशाह पे फरमाते खालिक के कायनात ने जिहड़ा तन रिज़क दिता है ना सिर्फ तेरा नहीं ऐसे ही तेरे गरीब रिश्तेदारां दा ही हक है गरीब पड़ोसियां दा ही हक है इसे मसाजिद इमाम बारगाह दा ही हक है इसे यतीम बेवगान दा ही हक है। मौले मुत्तकियान बादशाह पे फरमाते हैं खालिक के कायनात दे दित्ते रिज़्क नु वंड के खा तेनू पता ही नहीं चलेगा तू केड़े हत्थी दे रहे हैं केड़े हत्थी वापस वला रहे। एक वाकया याद आ गया जनाब दे जहान तक पहुँचाना चाहना और जी जनाब मूसा दा दौर जनाब मूसा आए खालिक के कायनात जैसे लिखो है तूर ते ना आवाज़ कुदरत मूसा आवाज़ आई जी करा मेरा मालिक खालिक के कायनात फरमाए मूसा ए सामने बस्ती जा सामने बस्ती च वादी जा जी मेरा मालिक मैं जानता। खालिक के कायनात फरमाए इस बस्ती च वंज उत्थे मेरे दो बंदे रहंदे हन उन्हां दी जिंदगी दे दो हिस्से हन अद्धा हिस्सा अमीरी दा है अद्धा हिस्सा गरीबी दा है। जा मूसा उन्हां तो जाके पुछ के आ जो खालिक के कायनात नूं तुहाडी कोई अदा पसंद आ गई है
जो रब्बुल आलमीन पे पुछदा है केड़ा हिस्सा अमीरी दा लेना चाहते हो केड़ा हिस्सा गरीबी दा लेना चाहते हो। जनाबे मूसा बा हुक्मे खुदा टुरदे टुरदे जी दरवाजे ते पहुंचे, दक्का अल बाब दरवाजे ते दस्तक दिती। जिसले दक्का अल बाब दरवाजे ते दस्तक दिती बंदा बाहर निकलिया। जनाबे मूसा आले पासे वेख के सवाले अंदाज पुछना कि तुस कौन हो। जनाबे मूसा अपना तारफ करवाया जो मैं अल्लाह दा नबी हाँ, मैं मूसा। जिसले आखे ना मैं अल्लाह दा नबी हाँ मैं मूसा, बंदा परेशान होया। उस आखिया अच्छा खैर होवे। जनाबे मूसा फरमाया जो खालक के कायनात नू तवाड़ी कोई अदा पसंद आ गई है। खालक के कायनात पे फरमाया है तवाड़ी जिंदगी दे दो हिस्से हैं, अद्धा हिस्सा अमीरी दा है अद्धा हिस्सा गरीबी दा है। खालक के कायनात पे पुछदा है केड़ा हिस्सा अमीरी दा लेना चाहते हो केड़ा हिस्सा गरीबी दा लेना चाहते हो। मिसाल दे तौर जनाबे मूसा आख्या जो तवाड़ी जिंदगी दे 20 साल हैं 10 साल अमीरी 10 साल गरीबी दे केड़ा हिस्सा अमीरी दा लेना चाहते हो। उस बंदे पूछना कीता जी इस सिर्फ मैं ही कल्ले दा ही मशवरा चलेगा या मेरे घरों में चलेगा। थोड़ा जा बोलिया जिस लिया के ना इस सिर्फ मेरी राय चलेगी या मेरे घरों ही। जनाबे मूसा दस्या जो सलाह कर लो खालिक के कायनात ने सही तुम दोवों इख्तियार दिता है। बंदा टुरदा टुरदा अंदर आया अपने जोजा वाले पासे वेख के आता जो खालिक के कायनात नू साड़ी कोई अदा पसंद आ गई। अल्लाह दा नबी साढ़े बूहे ते चल के आया है। जनाबे मूसा साढ़े दरवाजे ते चल के आ गए। वो पे पुछदे जो खालिक के कायनात पे फरमाइंदे तुहाडी जिंदगी दे 20 साल 10 साल अमीरी दे ने 10 साल गरीबी दे ने केड़ा हिस्सा अमीरी दा लेना चाहती है तो केड़ा हिस्सा गरीबी दा। उस क्या गल सुनो कितनी देर होगी तुहाडी ते मेरी शादी नू, अज दे दिन तक मैं तुहाडी किसी गल नाल इख्तलाफ नहीं कीता। जिसले बंदे आखे ना गल सुन असी पहला हिस्सा गरीबी दा ले लैने ते आखिरी हिस्सा अमीरी दा। उस आख्या क्यों? बंदे आख्या जो इस वास्ते जो पहला हिस्सा जवानी दे त्रै टाइम की जगह तो एक वेले का ही मिल गया, खा लाँगे गुजारा कर लाँगे। जिसले ज़ईफ होवांगे करन जो वैसी कुछ नहीं होवांगे, उसका दिता रिस्क खा लाँगे। उस आख्या ना जी ना, आज मैं तुहाडी गल नाल इख्तलाफ करांगे। उस आख्या हाँ फिर किवें? उस आख्या पहला हिस्सा अमीरी दा आखिरी हिस्सा गरीबी दा। बंदे आके बाहर जनाबे मूसा दस्या जो साड़ी सलाह हो गई है। जनाबे मूसा पूछना कि हाँ की फैसला है? उस दस्या जो पहला हिस्सा सन अमीरी दा च दियो आखिरी हिस्सा पिछला हिस्सा गरीबी दा च दियो। हालात सैयद ज़्यादा बदल दे गए पता ही नहीं चलिया जो खालिक के कायनात ने किवें उन्होंने रंग ला दिते। जिसले 12वां साल होया ना नमूदार जनाबे मूसा दा उस वस्ती चो गुजर होया। जनाबे मूसा दा जिसले उस वस्ती चो गुजर होया ना तो जनाबे मूसा अपने आप नाल गल की जो इस वस्ती च मैं आया जो हुक्म खुदा दे तहत खालिक के कायनात दा 10 साल दा वादा है। हुण 12वां साल चढ़ पिया मैं वेखा तो सही जो इस आके मैं इस दरवाजे ते वेखा तो सही 12वां साल पे चढ़दा है तो इन्हों का किवें गुजारा पे आंदा है। मैंने मिंबर दी इज्जत दी कसम है सैयदादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह है अली उन वलीउल्लाह है। शिया सुनिया मैंने कलमे दी इज्जत दी कसम है बाबा जी जनाबे मूसा रवायत कर दें जिसले मैं आके डिठे ना 12वां साल चढ़िया मैं दीद की है जनाबे मूसा दे ने मैं डिठा क्या है अगे ना लो खाना ना ले चोखे आन पका ना ले चोखे आन या अली अलैहि सलातु व सलाम अगे नालों खान ना ले चोखे आन पका ना ले चोखे। खालिक के कायनात दे दित्ते रिज़्क नु वंड के खा तेनु पता ही नहीं चलेगा तू केड़े हथी दे रहे केड़े हथी तेन रिज़्क वापस आ रहे। जनाबे मूसा क्या मेरा मालक तेरा ते 10 साल दा वादा हुन ते 12वां साल चढ़ पे। जिसले आखे ना मालक तेरा ते 10 साल दा वादा आवाज़ कुदरत आई मूसा वो बंदा होके नहीं भूलिया मैं अल्लाह होके किवें भूल जावा। ओ बंदा होके नहीं भूलिया मैं अल्लाह होके किवें भूल जावा। बस आखिरी जी गल है करके उस दे बाद एक वैन करना चाहता मौले मुत्तकियान पे फरमाइंदे ने 5वां कम जेड़ा मैं अली दे आखे लग के बच्चे तो सीखो। मौला पे फरमाइंदे ने इन्ना हुम अलबकाऊन बच्चे जो मनवाना चाहन रो के मनवा लें गिरगिरा के मनवा लें। मिसाल के तौर पर बच्चा अगर सुबह का वक्त है स्कूल वेंदा पे उस माँ ने आके ना माँ 100 रुपया लेने अगर माँ ने ना दिता जिस वक्त तक माँ पुत्र नु 100 नहीं ना देना उतने तई बच्चे चुप नहीं करना। उस इंज करके ना बाँ चाक के सर्त रख लें हाल हाल उस पा देनी।
जिस वक्त तक उसने सो नहीं ना मिलवाना उतने तक उस बच्चे चुप नहीं होना। मौला मुत्तकियान पे फरमेंदे बच्चा जो सीखता है वालिदैन तो सीखता है। पंजवा काम जेड़ा तुसी मैं अली दे आखे लग के बच्चे तो सीखो। मौला पे फरमेंदे बच्चा जो मनवाना चाहे रो के गिरगरा के मनवा लेना। मौला मुत्तकियान पे फरमेंदे खालिक के कायनात पे फरमेंदा है मेरा बंदा मैं खालिक के कायनात तेरे नाल तेरियां 70 सकियां मावां नालों चोखा प्यार करना। अगर रो के गिरगरा के मेरी बारगाह इल्तजा करें रो के मंगे अगर मैं देवा ना वत मैं रब्बुल आलमीन ही क्यों हूँ। बस भी अजादारो अगर दीन मोहम्मद दा दुनिया आले मोहम्मद को लेंदी आगा जी तशरीफ फरमा मालक सेहत नाल जिंदगी दराज फरमावे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज बादशाह ने फजाइलो मुसाहिब पढ़नगे मैं एक दी एक सत्र अजादारो उस बादशाहजादी की गुरबत दी पढ़ना चाहना। अजादारो जड़ी प्यू दे कत्ल दी ऐन गवाह है मैं सदके उपमा भी धियाँ बतूल दियाँ राजियों ने मिट्टियाँ ते बह के रोवन ना लियो रोवन ना मेरे इख्तियार ना तुहाडे इख्तियार हाए हर बंदे दे वास्ते च हांज ओ वासी जिस अली दी आलिया दीदी जिस अख ते मोहर होएगी। मैं सैयदा भैन ते भेरा दा अदना जमदा खाना मुसैब मेरी पिनी खैरात मैं कोशिश करदा जो एक हांज मेरी भी आ जाए थोड़ी आ जाए इबादत का मकसद पूरा हो जाए इबादत मुकम्मल हो जाए। मिट्टियाँ ते बह करो मनाले गयूर अजादारो इन्ह हराम जादियाँ जान के गंजे शोदा चो गुजारिया इन्हों लाइना का प्रोग्राम आई इन्हें बगैर तो जिसल सद मार के आखे ना सजाद इमाम की आवाज़ आँदी जी करा लाइना दे सजाद अपनी पुफिया ते मावां नू आग एक एक वैन की इजाजत है। मातमी अजादारो कई मजदूर उठा दे बहन का इंतजार किया कई मजदूर टुरदे उठा तो जान पईयां वारस आली वारस दे कोल आईए पुत्र आली पुत्र दे कोल आईए सही अजादा मेरी सैन अली दी आलिया दी उत्थे आयान वतने आलियाओ जिथे अली दी आलिया दी मैं क्या उत्थे आयान जिथे मारा जल बहरैन दा छोटा मोती नौ हिस्सियां तकसीम आई। वाह भई वाह भई वाह मैं सदके वहाँ उत्थे आया जिथे महाराज अल बहरैन दा छोटा मोती नौ हिस्से तकसीम आई। मेरी सैन पाक टुरदे टुरदे आया ते मेरी सैन पूछना किते हुसैन वीर मेरी सैन रो रो कह दिन हुसैन वीर ऐ नाराज होका हुसैन तेरा सर के न गया है। दूसरा वैन करके मेरी सैन पूछना किते हुसैन वीर ऐ ना लिबासो का तीसरा सवाल मेरी जैन कीते हुसैन वीर ऐ ना खातिमो का हुसैन वीर तेरी अंगल किन गई है तेरी अंगूठी किन गई है। बस भी अजादारो मजलूम करबला अपनी भैन आले पासे मुखातब हो के ना गरीब दियाँ कपियाँ रगे चो वैन बुलांदो है अम्मा दी जाई तुसी कीते अंतरे सवाल मैं उजड़ी एडा गया मैं गरीब इतना हो गया अम्मा दी जाई मैं करना ही कोई सवाल ते धी अली दी मैनू इसे गल का जवाब दे अम्मा दी जाई ऐ नारी दाओ के अम्मा दी जाई तेरी चादर किन गई है। अजादारो अली दीदी रो कह दिन हुसैन वीर बेगैरत नौ नेलिया ना लहाइए जिसले लाइन मेरी चादर लहाइए मैं रो रो क्या दी रही हाँ सुल्तान वफा दी नगरी दा ओ पैया पुछ दी बहन सलाए आ शिमर गई आई साढ़े खैमे विच ओ तेरी भैन दी लुटन रिदाए। बस बेजादारो मेरी सैन पूछना किते हुसैन वीर लाश 72 ते वैन हिके हुसैन मैनू इसे गल का जवाब दे हुसैन वीर तेरा वैन करा ते अब्बास दा ना करा हुसैन वीर मैनू इसे गल का जवाब दे अली अकबर दा वैन करा अली कासम दा ना करा अली कासम दा वैन करा मेरी सैना दिन हुसैन तुसी ते हाशमी हो मेरे अपने हो मेरी सैना दिन हुसैन वीर जौन दा वैन करा ते कैस दा ना करा मेरी सैना दिन हुसैन वीर मैनू इसे गल का जवाब दे मैं कहना वैन करा वतने च मिट्टियां तबह करो मना लियो गरीबे करबला दियां कपियां रगां च आवाज आई अम्मा दी जाई ना मेरा वैन कर ना अब्बास दा ना अकबर दा ना कासम दा ना जौन दा ना कैस दा बाबा जी मेरी सैन पूछना कीते हुसैन वीर वत कहना वैन करा गरीब दियां कपियां रगां च आवाज आईए अम्मा दी जाई नौ मीलां दे बारों बेवारस जोड़ी दी लाश आई
उस दवैन कर मैं राजी हाँ अब्बास राजी है असी सारे राजी हाँ। अजादारो मेरी सहन पूछना किता हुसैन वीर मैनू ये दसा मैं तेन की आके रोवा गरीब आखा मैं तेन की आखा वतन लियो अल्लाह ना करे किसे भैन दा गरीब फिरा होवे तो मर जाए दिहाड़ीदार होवे मजदूरी करदा होवे अजादारो माशरे की बात चाचा जी जिसले भैन फिरा दे मैयत वैन कर दिए ना रो क्या दिए लोगो मेरा शहनशाह टुर गया जे ओ लोगो मेरा बादशाह टुर गया मेरी सहना दिन हुसैन मैनू ये दसा मैं तेनू के आ करवा गरीबे करबला दियाँ कपियां रगा च आवाज आई अम्मा दी जाई आख ना मेरा जन्नत दा नवाब हुसैन जिसले आखे ना आख मेरा जन्नत दा नवाब हुसैन अजादार उसले मेरी सहन बाबा जी जे हाथ ना कड़िया वाले मैं इंज क्यों ना आखा मेरी सहन हाथ बदा क्या दिन हुसैन इंसाफ नाल इक्के गल दा जवाब दे क्या नवाबा दियाँ भैणा इन जांदियां ने जिमें मैं तेरी लाश ते आई हाँ उठी नहीं उठाई गई है टुरी नहीं टुराई गई है बस अजादारो मालक दर्जात बुलंद फरमावे सैयद असद रजा बुखारी त्रिडे आले आले बाबा जी इत्थे एक सत्रों पढ़ते होंगे मालक उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे इस लफज का सवाब उन्हां दी रूह न पहुँचे वह पढ़ते होंगे जिसले आया ना सैयद साजदीन इमाम वैन दे मैं करीब आवन लगा जिसले आया ना त्या क्या आख्या ने के मासूमा बहन उठो ना चलीए मेरी सैन रुनियन तरो कह दे ना वे सजाद वीर मैं इंज नहीं जाऊंगी मैं इंज नहीं जाना फरमेंदन क्यों रो कह दे सजाद वीर मैं बाबे नू दफना के जाना है इसलिए कह ना मैं बाबे नू दफना के जाना है मेरी सैन दिन सजाद मैं इंज नहीं जाना जाना उन्होंने वाक सानू इको इज्तमाई कबर बनावन की इजाजत छ देवे उसले सैयद सजाद इमाम दी अखां च रत वध पई है रुनियां ते रो कह दिन मासूमा बहन जिसले मैं कहना सी इको इज्तमाई कबर बना लैंदे आ ते पता ही मासूमा उस क्या जवाब दिता है मेरी सैन आ दिन ते के आख्या ने अजादार रुनियन सैयद साजदीन इमाम रो क्या देने अम्मा दी जाई बेगैरत कहका मार के हस क्या देने कबरां बनाई दियां ने मुसलमाना दियां ओ मैं सदके ओ मां सकीना सानू मुसलमान ही नहीं मनदे बस भी इज्जतदार अजादारो करबला तो लैके शाम तई जिथे लैन दा दिल कर दई हुसैन बादशाह दी धी दे चेहरे दी बेहुरमती कर दई हुण दुआ मंगो इंशाल्लाह किसे बहन दा बिरा गरीब ना होवे गरीब बिरावां ते अजादार नू भैणा बोझ नहीं बनदियां शाम दा शहर दमिश्क आया मेरी सैन रो कह दे सजाद मेरा वीर मैनू पता ही ना बेगैरता तेरी मननी कोई नहीं मेरी जैना दिन सजाद मैं बहन तेरी ते मैं ए नहीं आदि जो इन्हों आख मैं मारन नहीं मेरी जैना दिन सजाद बहन एक ही मिन्नत भी कर दिया इन्हों आख अगर मारना नहीं हूँ मेरे मुँह ते ना मारन ओ सजाद मेरा सज्जा रुख सारा ही जख्मी है ओ मेरा खब्बा रुख सारा ही जख्मी है बस भी इज्जत माफ सामीन जिंदानों मिलिया जिस दी छत कोई नहीं मैं क्या जिंदानों मिलिया चाचा जी जिस दी छत कोई नहीं जिसले हुसैन बादशाह धीर हो गया ना शाम दी नगरी जलजला आ गया खुदा लानत करे हरामे वक्ते तुहाडे ते मेरे गयूर इमाम नू अपने दरबार च बुलाया लैना दे सजाद बहन नू आख रोवन दा वक्त मुकर्रर करे सैयद साजदीन रुने अंते रो क्या दिन लईन यतीमां दे रोवण दा कोई वेला नहीं होंदा यतीमां दे रोवण दा कोई वेला नहीं होंदा लेना दे सजा तेरी बहन मासूमा क्यों चुप कर दिए सैयद साजदीन दिन अगर प्यू दा कट्टिया सर देवें तां अजादारो सैयद साजदीन इमाम दे हत्थां ते इंसारा है लेना दे सजा इक्के गल दा जवाब दे क्या तेरे कोल जमानत है तू जू प्याद है अगर प्यू का कट्टे सर देवे ता मेरी बहन न रोसी अजादारो सैयद साजदीन इमाम रुन्ने अंत रो किस लईन आले पास वेख कह देने बाबे दा सर वेखण दे बाद ना होसी ते ना रोसी बस भी अजादारो आ गए सैयद साजदीन बाबे दा कट्टे सर जा के जिंदान च हुसैन दी धी दी केड़ी हालत है मेरी सैन जिंदान दे कोने च बैठे हन अजादारो मेरी सहन दुआ दे हाथ आयान आसमान आले पास मुँह करके मेरी सहन आदे अल्लाहुम्मा बेहके जद्दा ती फातिमा तुजारा ओ मेरा अल्लाह तेन मेरी दादी जहरा दे दुखे पासे दवा सही आज बाबा मिला
वतन आलियो इन्ना लीला पढ़ के सजाद मौला प्यू दा कटिया सर भैन दे रस्सियां ले हथां त रखे आए मुद्दत दे बाद बाबा जी जिंदा ने शाम आई प्यू ते दीदी मुलाकात आई मासूमा सैन दीद कीती है ज़दारो डिठा क्या है सजे दियां जुल्फां खब्बे आन खब्बे दियां जुल्फां सजे आन दाढ़ी तेरा तरे तई मथे ते मेहरा बई मासूमा सैन पहला वैन कीता है उच्चा वैन करके पैदे ने ओ जन्नत दियां पोशाकां पावे ना लिया अखां खो आज दीदी पोशाक ओ जबरील दे परां ते समन आ लिया अखां खोल आज दीदा बिस्तर वेख रो रो के पैया दी आई धी रोल गई आई ओ वेच सफरां दे इसमत दा पा कनगीना सब छोटी कैदन ओ मेकुआ देन वो मेरा भूल गया नाम सकीना मेरी सैं रो रो क्या देव ध्यान नहीं मिटियां ते ओ मैं नींदर आंदी नहीं लभदा तेरा सीना ओ जेड़े ईद दे दी ओ दौर पाए हानी वो ओ लौट गए शिमार कमीना मैं सदके आवां भाई एक मंजिल बुलंद करो मेंबर भाइयों के हवाले करा ओ मातमी मुकानियो मुआशरे की बात करना चाहना बाबा जी मैंने जिक्र दी जिक्र समय वतन वाले तुम कोई ड्यूटी कर दो कोई कारोबार कर दो कोई दुकानदारी कर दो अजादारो जिसले रात थक्या दे चार या पांच साल की धी हो उसको नहीं पता आता जो बाबा थक आया है अजादारो दी प्यू वाले पास वे दी रो क्या दी बाबा तुसी कोई ना हो तुहाडे वंजन दे बाद अज मैनू अम्मा मारे अज मैनू वड्डे फिरा मारे है अजादारो असी तारों दिया मैंने मिंबर दी जिक्र समय मातमी मुकानियो जिंदा ने शाम अजादारो मुद्दत बाद प्यू ते धी दी मुलाकात आई मासूमा सैन बाबे दा कटिया सर्वे दे गया रोक पैदन बाबा तुसी कोई ना हो तोड़े वंजन दे बाद शिमर में तमाचे मार धारी आए ओ बाबा मैं घोड़े नाल भजें दे रहे आन बाबा बगैर ताजिया ने मरे दे आन अद्धा उठ नू लगदा अद्धा तेरी धी नू लगदा शहीद आजम दियां कपियां रगां चवा दे मेरी लैक बचड़ी मैं दुख सुना ओ वतन वाले दी रो क्या दी बाबा लिखन वाले अजी मुकद्दर लिखे आन बाबा करबला मैं मिलन गई आ बाबा तेरी मुक गई है ओ बाबा अज तू मिलना है अज मेरी मुक गई है सैया दादा मेरी लायक बचड़ी दुख सुना दी रो क्या दी बाबा कुछ मेथों पूछ ले कुछ मेरे गवाह को पूछ सैया दादे कौन है जिंदा ने तेरा गवाह निका जा चेहरा प्यू दे अगे कीता सा रो रो के आदि रुख सार गवाह